हो रहा है, क्या हुआ अचानक एकदम से ना बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं फेस पर। मुझे ऐसा लग यूस्ट्रा के अभी कम से कम 3 to 4 कैविटीज हैं जिन्हें अभी आगे और ट्रीट करना है। जब हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है एक तब वो जो साउंड है वो किसी और का ही नहीं है, वो खुद का हमारा साउंड है रोहित के बर्थडे पर शायद हम वो। तो आप कमेंट्स में बताना कि जो एक सिंगल लाइन है अभी। रब की इनायत हुई। आप सब आई होप आप अच्छे होंगे। और देखो मैं दिखाती हूँ मेरे फेस पे ये सारे पता नहीं क्या हो गया, इतने सारे ये पिंपल हो गया मेरे फेस पे। रोमा मुझे बताना मेरे ना देखो कितने बहुत, हाँ इतने ये रात में नहीं दिख रहे थे लेकिन अब ये दिन में दिखते हैं ये बहुत। अरे कान पे भी होते जा रहे हैं, सब जगह हो गए मेरे, पेट भी गर्म हो गई हो सकता है, यही हो सकता है। तो गाइस अगर आपको कुछ पता है मेरे इन पिंपल का तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बहुत ज्यादा हो गए हैं यार रोहित के बर्थडे से पहले मुझे ही सही करने हैं। तो ऐसे देखो यूसुफ के ना सडनली पता नहीं क्या हुआ, कोई चीज रिएक्ट कर गया है या क्या हो रहा है, क्या हुआ अचानक एकदम से ना बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं फेस पर। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ना हो गए, मैंने ना बहुत सारे अंडे खाए अभी जब सर्दी थी ना बीच में, लेकिन तुमने तो बंद कर दिए तो वो अब निकल गए है ना। रोमा इधर है, रोमा ने वाईफाई को मिला दिया, मतलब सो के तो पहले उठ गए थे यारवी की वजह से, अभी भी हम अंदर ही है और हमने यहाँ पर अपना रूम हीटर जलाया हुआ है। और ये इधर जो है रोहित भी लेटे हुए हैं, अभी यारोही खेल रही है यहाँ पर, यारोही खेल रही है और अभी हम सुबह सुबह इसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि अगर हम इसको बाहर निकालते तो उसको एकदम से चलने की लग जाती है और फिर ये ऊपर नहीं आती। कैसे देख रहे थे छोटे बच्चे हो जैसे ऐसे खुश होकर बिल्कुल देख रहे भाई बिग बॉस। तो भाई आज ना प्रिंस को आना था, प्रिंस और सोनाली आने वाले थे और ये हमें ये बोल रहे हैं कि ये घर पर है। दिख नहीं रही वीडियो, रुक जाओ ये देखो छत। अरे तो मैं हूं अभी, तो सहारनपुर में ही है। हां हम तो सोच रहे थे बिरयानी बनाने के लिए भाई, हम तो तुम्हारे लिए बिरयानी बना दे। अरे पापा ने जान नहीं दिया सुबह, पापा कह रहे कि मुझे यार एक दूसरे लाने, अरे एक दो और कह रहे पता नहीं क्या। मारले चिकन मंगा, तुम्हारे लिए तो हम बिरयानी बना दे स्पेशल घर में। तो फिर चलेंगे, ये सोच रही है सरप्राइज देंगे आके। मैं वही कह रहा था ने कह दूं पहले कि भाई वो सोच रहे होंगे आज, तो बता देते तुम हमें सुबह ही। तो गाइस खाना हो गया रेडी, पहले हम बिरयानी बनाने वाले थे क्योंकि सोनाली और वो आने वाले थे, अब तक तो आ भी चुके होते अगर वो आ रहे होते आज, तो इसलिए मैंने कहा कि बिरयानी कल बना लेंगे। आज हमने बनाई है राइस विद चिकन, तो ये भी, और ये सब बहुत ही टेस्टी बनाती है अभी वाला चिकन। यहाँ पर ये भी गुड्डू अभी सो रहा था, अभी उठ गया। देखो अभी ना यार अभी वहाँ पर है, मैं इसको यमर लेने के लिए यहाँ पर आएगी, वहाँ से देखो कितनी दूर से, कितनी दूर से यहाँ आएगी यार अभी, लो अब आएगी देखो ये, आ जाओ ओए, खड़ी करो इसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, खुद आ जाएगी, खुद आ जाती है, तुम लेके आए इसको। तो भाई जी देखो युषा भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया हूँ, और सबसे ज्यादा तैयार और सुंदर लग रही है ये बेटा हमारा। रब की इनायत हुई, खुशियों की आहट हुई, रब की इनायत। हमारे घर की ना यार ये रौनक हो चुकी है इस टाइम पे, हाँ सुन लिया आपने, अगर ये ना हो ना बिल्कुल शांति हो जाती है घर पे जब ये सो जाती है। देखा तो मेरे इस दिल को राहत हुई। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मैं अपने लिए एक स्लीपर लेके आई थी और रोहित ने वो मेरे स्लीपर हड़प लिया है। उतारते कितने तेज हो आप, इसको इतनी लूज कर दिया है कि ये मेरे बिल्कुल भी अब ठीक नहीं आ रही है। ये लेके आई थी, मैं दिखाती हूँ, ये थी वो स्लीपर, लेकिन अभी मेरे ऐसी आ रही है जैसे मैंने आपकी पहन रखी हो। देखो मैंने तो ऐसी पहनी थी, झूठ बोल रहे हैं इन्होंने ना, ये बोला था कि ये स्लीपर अब मुझे दे दो, ये मेरी हो गई अब, इनका दिल आ रहा था उसके ऊपर। आप समझ गए थे ना इनका एक चीज की वीडियो बनाती है ना, हाँ जब ये उतार दिया अभी मुझे जाना है 5:30 बजे डॉक्टर, नहीं 6:30 बजे डॉक्टर के जाना है, अभी बजे 5, अभी मुझे यारोही को भी रेडी करना और मैं खुद भी रेडी होंगी क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, दूसरे पहन के जाऊंगी मैं, रोहित तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके कल भी चोट भी लग गई थी, ये यहाँ पे घूम रही थी रात और ये चलते चलते इसके ये रैक लगी थी गाल पे, मैं सोच रही पता नहीं क्या हो रहा, देखो मैं दिखाती हूँ यारोही देख, इस वाले गाल पे इसकी इतनी तेज लगी थी कि अभी इसका निशान हो रहा है और अभी भी इसको सुकून नहीं है,
तभी यहीं घूम रही है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, युषा के डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके दांतों में क्या हुआ, एक बार मतलब कपड़े लेने गई थी, प्रिंस के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो बाहर कुछ खा रही होगी, तो खाते खाते ना इसके यहाँ पर ना गैप था, गैप बट वो ना किसी चीज से भरा हुआ था। हाँ, है वो ना जब दांतों की सफाई नहीं होती ना, तो हमारे सबके टीथ ऐसे ही है, जैसे हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उनसे ना हमारे ना दांत में वो चीज जम जाती है। तो फिर डॉक्टर, मैंने सोचा कि मेरा दांत टूट गया बीच का, तो फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब वो दांत टूटा नहीं है, और वो जो चीज मतलब जो हम चीजें खाते हैं वो जम जाती है, तो उसकी वजह से वो तुम्हें लगा है, वो दांत नहीं था। तो गाइस आ चुके हैं अभी हम डॉक्टर क्लिनिक के बाहर, और ये ना इनका मेलबी टाउन करके गुड़गांव में जगह है, वहाँ पर है, मेरे जिम की काफी नियर है। दूसरा तुम आप प्रिस्क्रिप्शन भूल गए ना? वो मेरे याद ही नहीं था ना, भूल गए, और यार ये हर एक चीज संभाल के रखती है अपने, इसको याद नहीं। सो ये है, यहाँ पर काफी सारे डेंटल क्लिनिक है, बट हमने गूगल पे देखा था तो इनका जो है काफी अच्छा, क्या नाम रिव्यूज थे ना, पॉलीमेडिका डेंटल एंड मेडिकल सेंटर। हमारी 6:30 बजे की थी और हम एग्जैक्ट 6:30 बजे पहुँच गए। यार को कौन लेगा? आप अंदर यूसा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और यार भी मेरे पास है, इसने मुझे परेशान किया हुआ है भाई। इसको चलना है यहाँ पर भी, अपने से भारी तो कपड़े पहन रखे हैं इसने। अभी उषा का ना ट्रीटमेंट डन हो गया और ये हमारी डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर स्वाति है। और तो आप डॉक्टर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या उषा को प्रॉब्लम क्या हुई थी एंड प्रोसीजर क्या लिया हमने उसका? हाँ, तो उषा जब आई थी फर्स्ट टाइम तो उषा का ये प्रॉब्लम था कि मेरे दांत पीले हैं, इन्हें आप थोड़ा बेटर कर दो, क्योंकि उषा जब स्माइल करती है तो उषा को लगता है कि वो येलो लग रहे हैं। जब उषा आई थी उसको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम हमने डायग्नोस किया और उसी का हम लोग ट्रीटमेंट प्लान हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। आज उषा का लास्ट विजिट है, सो वी हैव डन विद द प्रोसीजर। हमने डीप क्लीनिंग और क्यूरेटाज करके उषा के जितने स्टेन्स, कैलकुलस डिपॉजिट, जो दांत में अनहेल्दी लम्स बनाते हैं, इन्फ्लेमेशंस करते हैं गम को, और गम प्रॉब्लम्स जिन चीज़ों से शुरू होती है, उसका हमने टोटल सोल्यूशन आज के दिन ख़त्म किया है। और अभी मेरे कैविटी भी है और अभी हमारे, हाँ यूसरा के अभी कम से कम 3-4 कैविटीज हैं जिन्हें अभी आगे और ट्रीट करना है, बट गम प्रॉब्लम ज्यादा था तो पहले हमने वो किया और कैविटीज अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, जो कैविटी है अभी वो पहले से इम्प्रूव हुई है या अभी उसका स्टेज सेम है? फिर वो कैविटीज तो अभी हमने टच भी नहीं करी, मैंने अभी सिर्फ गम प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया है। तो कैविटीज जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल फर्स्ट डे ही हम कंप्लीट करके उसमें परमानेंट फिलिंग कर देंगे, सो दैट यूसरा की कैविटीज आगे ना प्रोग्रेस हो, तो रूट कैनाल या और मेजर प्रॉब्लम से यूसरा का वो प्रॉब्लम प्रिवेंशन हो जाए। तो हम सिंगल विजिट में उसकी फिलिंग्स, बट यूसरा आपने सारे फॉलो कर लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं, एंड आई मस्ट से पहली विजिट से आज की विजिट में बहुत इंप्रूवमेंट है। उसने अपने सारे ओरल हाइजीन मेजर्स, प्रिकॉशन जो भी मैंने बोले हैं, शी इज फॉलोइंग ऑल दैट, एंड शी इज हैप्पी विद दैट। हाउ यूसरा चीज आ रही, और ये हर किसी को क्लीनिंग एवरी ईयर एनुअली तो करानी चाहिए, हम लोग 6-7 मंथ्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक क्लीनिंग नहीं था, हमने थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, यारो इन्हें बहुत परेशान किया। सो गाइस ट्रीटमेंट इज डन। सो गाइस युषा को ना सीख कबाब खाने थे तो मैं ऑर्डर कराया हूं। फलूदा आइसक्रीम नहीं खाई। फलूदा आइसक्रीम, आइसक्रीम डॉक्टर ने मना करी तुम्हें? कैविटी हो रखी तुम्हारे भाई, रोहित खिला देना ना। आ चुका है युषा का खाना, खा लो ना, उसको पीछे क्यों रख दिया? वो तो पैक है, तो खा लो, कोई बात नहीं, खा सकते हो। तो घर जाके खाओ, घर तब तक तो ठंडा हो जाएगा, ओवन में गरम कर लूंगी। और गाइस आप सबसे ना एक चीज और शेयर करनी थी, आप देख रहे होंगे पिछले लास्ट 2 ब्लॉग्स में ना, आप जब हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है एक तब और आखिरी में और बीच में कोई भी अगर हम सिनेमैटिक्स या कोई भी ट्रैवलिंग का, शायद मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगा और उसके अंदर ना एक साउंड रहता है, वो जो साउंड है वो किसी और का ही नहीं है, वो खुद का हमारा साउंड है। मतलब यारोही के बर्थडे पर शायद हम वो रिलीज़ करेंगे और हो सकता है कि वो हमारे चैनल, हो सकता है कि वो हमारे चैनल पर ही रिलीज़ होगा। और हमारा एक भाई है, उन्होंने गाना गाया है हमारे लिए और यारोही के लिए,
बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक साल हो चुका है उसको बने हुए, बट अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं बना उस पर शूट करने का। तो हम प्लान कर रहे हैं कि यारोही के बर्थडे पर या उससे एक दो दिन बाद हम रिलीज करेंगे। तो आप कमेंट्स में बताना कि जो एक सिंगल लाइन है अभी वो जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा ना अवेयर हो जाओ कि आप सब कि यहाँ पे गाना आने वाला है। आप सब प्लीज़ कमेंट्स में बताना, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो या तो स्टार्टिंग में या फिर इसके बाद में डाल दूँगा, तो प्लीज़ बताना कि वो गाना कैसा लगा। आप रब की इनायत हुई, खुशियों की आहट हुई, रब की इनायत हुई। सो गाइस, काफी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी सोसाइटी कौन सी है। सो हमारी सोसाइटी है M3M द मरीना, और बादशाहपुर के पास है, सेक्टर 68 में है ये। देखना हमें तो कितना टाइम हो गया, इधर आए भी नहीं क्योंकि ठंड हो रही है भाई बहुत ज्यादा। मैं तो क्लब हाउस में ही नहीं गई जब से मैं आई हूँ, ये देखो यारोही के साथ, क्योंकि सर्दी इतनी रहती है कि मेरे से तो निकला ही नहीं जाता। हमारी सोसाइटी में ना ये एक शॉप ओपन हुई है, रोलर ट्रोलर्स। अभी एक पेटीज है, आलू पेटीज, मुझे इनकी बहुत पसंद होती है। और वाईफाई को मैं नीचे वॉक कराने के लिए लाया था, मैं इसके लिए इश्रा के लिए पेटीज लाया हूँ नीचे से, आलू पेटीज एक ही पीस पड़ा था। और ये ना नकरे दिखा रही है उसको, मैं नकरे नहीं दिखा रही, आप खा लो, मैं नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं खा रहा ना, तुम खा लो। नहीं मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लो, तुम इतनी बड़ी होती हो तो वैसे भी नहीं खाई जाती। आप खाली पेट क्यों रहोगे, मैं कह रही हूँ भूख के रहते हो मेरी वजह से। क्यों, तुम बनी बना रहे क्या मेरे लिए रोटी? तो आपने तो कहा आप पेटीज खाओगे, मैंने कहा मैं रोटी बना दूं मेरे लिए। सो गाइस, खाना आ चुका है यहाँ पर, ये आलू पेटीज आदि यारोही ने यूश्रा ने लिया, बाकी ये मेरे प्राइस है। ये रोटी बहुत सारा खाना दे दिया यूश्रा ने, मैंने एक रोटी खा था, इसने तीन दे दी, बताओ। और ये खाना है, और टीवी देखते देखते खाते हैं। ये शाम दिखा रही है, मैं बाहर बैठ के खाऊंगा यार, बहुत ठंड है। आप सभी कमेंट्स में बताना गाइस कि आप सभी मुझे आदत है कंबल में या ऊपर कुछ रखकर खाने की, ये ताकि कुछ भी गिरे तो उस पर गिरे। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप सब कैसे खाते हो, आपको भी आदत है कुछ रखकर खाने की, तो कमेंट्स में प्लीज बताना। रब की इनायत हुई, खुशियों की आहट हुई, रब की इनायत हुई।